Okay, let's start. Okay, जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. आप लोगों ने कभी ये टर्म सुनी नहीं, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स? Have you ever heard of this term? No, sir. Okay. This is one of the most important. यानी मैं हर एक पे ही कहा है कि ये बड़ा क्रूशल है टॉपिक. हर टॉपिक पे मैंने कहा है, पर उन सारे टॉपिक से मैंने कहा था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल वगैरह वगैरह, यानी समझने के लिए, बेस बनाने के लिए. इस पे मैं कह रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन लीनियर एल्जेब्रा. एल्जेब्रा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज कॉन्सेप्ट जिसकी हर जगह एप्लीकेशन है. और जो जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारा इसके अंदर आएगा. लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है लीनियर एल्जेब्रा का जो ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई हो रहा होता है. ठीक है, सो लेट्स सी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ओके, पहले क्लियर कर दूं, जो भी हम पढ़ने लगे हैं ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है. आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के होते हैं, ओनली स्क्वायर. ओके, जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वेक्टर के साथ क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स था, आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. लेट्स टेक अ रियली सिंपल एग्जांपल. आपके पास मैट्रिक्स था 1, 2, 3, 4 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर 1, 0 के साथ. आंसर क्या आएगा? क्विकली मुझे आंसर बता दें. एनीवन? यस और नो? 1, 3 आंसर नहीं आएगा. यस सर, 1, 3 आएगा. ओके ग्रेट. तो सो व्हाट हैपेंड हियर, मेरा जो पहले वेक्टर था वो अगर मैं अपने एक्सिस बनाऊं, पहले जो मेरा वेक्टर था इट वॉज पॉइंटिंग हेयर 1, 0. वेयर इज इट पॉइंटिंग नाउ? है ना, ये वाला रेड वाला लुक्स लाइक 1, 3 राइट? यस सर. विच मीन्स जो आप लोगों ने जवाब देना है, इस मैट्रिक्स ने इस इनपुट वेक्टर को 1, 0 को इसके साथ कौन सी दो चीजें की हैं, कौन से दो ऑपरेशंस कर दिए? सर, इसके डायरेक्शन चेंज किए और इसको स्केल कर दिया. परफेक्ट. मैट्रिक्स जब किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इट डज टू थिंग्स. इट रोटेट्स द वेक्टर, उसकी या डायरेक्शन चेंज करता है, एंड इट स्केल्स इट, उसका साइज, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देता है. दो काम करते हैं. ठीक है, हर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा वो उसको रोटेट और स्केल करेगा, हमेशा रोटेट एंड स्केल. लेकिन फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स अगर आपने मैट्रिक्स फिक्स कर दिया है, ये जिस तरह 1, 2, 3, 4 है, या कोई भी मैट्रिक्स M है, हर मैट्रिक्स M के लिए चंद वेक्टर ऐसे होते हैं, चंद, सारे नहीं, चंद वेक्टर ऐसे होते हैं कि जब मैट्रिक्स M
उस वेक्टर वी से मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है वो आंसर वी की डायरेक्शन में ही होता है लेकिन स्केल हुआ होता है, और वो स्केलिंग फैक्टर लैम्डा होता है। यानी कोई स्केलिंग फैक्टर लैम्डा है उससे स्केल हुआ होता है। यानी राइट, अगर मैं आपसे पूछूं राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर बना हुआ है इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड पे जो पूरा वेक्टर है लैम्डा इंटू वी, इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे, ये किस डायरेक्शन में है? यस, ये पूरा वेक्टर लैम्डा इंटू वी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी। और चूंकि राइट हैंड साइड जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वी है, इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो रिजल्ट आया है एम और वी को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इन द डायरेक्शन ऑफ वी आया, विच मींस कि ये कोई ऐसा वेक्टर था वी कि जो स्केल तो हो गया है लेकिन ये रोटेट नहीं हुआ, इसने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज होने दी, एम से मल्टीप्लाई होने के बाद रोटेशन नहीं हुई इसकी, या डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मेरे साथ हैं आप लोग के नहीं? यस सर। और जो जितनी ये स्केलिंग, जितना ये स्केल हुआ है वो स्केलिंग का जो फैक्टर है, वो स्केलिंग का फैक्टर ये कोई नंबर था, जो भी नंबर था वो, उसको मैं लैम्डा कह रहा हूं। हर मैट्रिक्स के लिए, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसे चंद वेक्टर होते हैं जो उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हों तो वो स्केल तो हो जाएंगे, रोटेट नहीं होंगे। इन वेक्टर्स को कहते हैं आइगन वेक्टर्स, ठीक है। और जब हम कह रहे हैं आइगन वेक्टर तो ये उस एम मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर है, हर मैट्रिक्स के अपने अपने होते होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स एम के आइगन वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जो एम से मल्टीप्लाई होने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते लेकिन उनका स्केल चेंज हो जाता है, उनका साइज। और वो स्केल कितने फैक्टर से स्केल होते हैं, कितने फैक्टर से अपना साइज चेंज करते हैं, वो जो फैक्टर है उस फैक्टर को कहते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर वो वाले वेक्टर है जो सिर्फ स्केल होते हैं, और जो फैक्टर ऑफ स्केलिंग है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय एम, वो उस स्केलिंग फैक्टर को आइगन वैल्यू कहते हैं। यहां तक कोई सवाल? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस जब मैंने m इंटू एक्स किया, x जो मेरा m इंटू एक्स जो रिजल्ट आया है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ग्रे वाला वेक्टर यहाँ नजर आ रहा है, और जो ओरिजिनल वेक्टर x था वो ब्लू में है। एंड यू कैन सी इन ऑल केसेस कि जो m इंटू एक्स आया है ग्रे, वो x की डायरेक्शन में था, और m into x जो है वो x की डायरेक्शन में था लेकिन x का कोई स्केल्ड वर्जन था, स्केल्ड बाय लैम्डा। इफ लैम्डा इज बिटवीन 0 एंड 1 तो फिर ऑफ कोर्स वो x से जरा सा छोटा होगा लेकिन x वाली ओरिएंटेशन में ही होगा। और अगर लैम्डा स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो जो ग्रे वेक्टर है मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आना है m इंटू एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर लैम्डा स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो वो x से ज्यादा लंबा वेक्टर आएगा लेकिन x वाली डायरेक्शन। और अगर जो स्केलिंग फैक्टर है वो नेगेटिव है
लेकिन माइनस वन से छोटा है, तो फिर इसकी ओरिएंटेशन ऑपोजिट हो जाएगी, एक्स वाली डायरेक्शन में रहेगा पर ओरिएंटेशन ऑपोजिट हो जाएगी और साइज इसका एक्स से छोटा ही होगा। और अगर लैम्डा माइनस वन से बड़ा है तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर आएगा वो एक्स से ज़्यादा बड़े साइज का होगा लेकिन इसकी ओरिएंटेशन एक्स के ऑपोजिट होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? ये चार केसेस। Are these clear or not? Yes, sir. Okay. तो ये आइगन वेक्टर्स ये वाले वेक्टर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, स्केल चेंज हो सकता है। ये आइगन, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आइगन जो है ये असल में जर्मन जुबान का लफ्ज है और उस जुबान में इसके कई सेंस, इट कैन बी यूज इन मल्टीपल सेंसेस। इसका एक मीनिंग है ओन, अपना, अपने बारे में, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक टू मी, टिपिकल, मेरे बारे में टिपिकल, इंडिविजुअल। तो आइगन का तो ये मतलब है। तो व्हेन यू से आइगन वेक्टर तो वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स has its own very particular eigenvectors जो direction change नहीं करते multiplication के बाद। तो हर matrix के अपने particular vectors होते हैं कुछ जो direction change नहीं करते, उन्हें हम eigenvectors कहते हैं, characteristic vectors। वो उस matrix के बारे में कुछ information hide कर रहे होते हैं अपने, तो उनको आइगन वेक्टर्स कहते हैं। और जितने वो स्केल होते हैं वो स्केल को आइगन वैल्यू कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर। इनकी एप्लीकेशन तो खैर बहुत जगह पे हैं। अगर जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो गूगल, जो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम, जो गूगल आपको रिजल्ट देता है, जस्ट कंप्यूट्स अ वेरी लार्ज, इट्स कंप्यूट्स एन आइगन वेक्टर ऑफ अ वेरी लार्ज, ऑफ अ वेरी लार्ज मैट्रिक्स। ठीक है, and that's it, that's the whole algorithm really. अच्छा, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कंप्यूट कैसे कर सकते हैं आप? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स एम है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और लेट्स अस्यूम के वी, मुझे नहीं पता वी क्या है, पर वी उसका आइगन वेक्टर है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है कि वी कितना स्केल होगा एम से मल्टीप्लाई होने के बाद, वो है आइगन वैल्यू लैम्डा। ना मुझे वी पता है ना मुझे लैम्डा पता है, मुझे सिर्फ एम मैट्रिक्स पता है। तो मैं ये करता हूं कि अगर वी उसका आइगन वेक्टर है तो फिर ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी। इफ वी इज एन आइगन वेक्टर ऑफ एम, देन एम इंटू वी विल बी इक्वल टू आइगन वैल्यू इंटू वी, यानी कितना स्केल होना है और डायरेक्शन वी ही रहनी है। ओके, इस इक्वेशन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट हैंड साइड पे ले आता हूं। यस, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्डा वी माइनस एम इंटू वी इक्वल जीरो। जीरो वेक्टर है ये वेक्टर, एंड दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बीच में लिख दूं, लैम्डा इंटू आई वी, बिकॉज आइडेंटिटी इंटू वी equals v, तो मैं v को रिप्लेस कर देता हूं by identity times v। तो मैं यहां lambda i v minus m v equals zero vector, और v चूंकि पहली साइड पे भी lambda i से राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है v, और मैट्रिक्स m से भी राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है v, तो मैं इसको राइट पे कॉमन ले लेता हूं और यहां पे जो दो टर्म्स हैं वो दोनों मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है तो मैं n बाय n कह देता हूँ, m एक n बाय n मैट्रिक्स था और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी मैंने n बाय n का ले लिया है और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है। लैम्डा एक स्केलर वैल्यू है,
ये दो एन बाय एन मेट्रिसेस माइनस किया और बी से मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर विल बी जीरो. सो ये जो मैंने यहां पर चीज लिखी है दिस इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ ये आइगन वेक्टर वाली इक्वेशन जो थी शुरू में. आइगन वेक्टर की कंडीशन ही ये थी, डेफिनेशन ही ये थी कि एम से वी को मल्टीप्लाई करें तो वो सिर्फ स्केल होगा बाय सम वैल्यू, वो वैल्यू आइगन वैल्यू है लैम्डा. उसको हमने रीअरेंज कर लिया है इस तरह के लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस एम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वी इक्वल्स जीरो वेक्टर. इस मैट्रिक्स को अगर इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूं ए इंटू वी इक्वल जीरो लिख सकता हूं, ऐसे इजाजत है कि नहीं? ये जो लैम्डा आई माइनस एम है उसको मैंने ए का नाम दे दिया. यस सर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैं इसको ए का नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए. सो ए वी इक्वल जीरो, ये तो होमोजेनस सिस्टम है. तो ऐसा वेक्टर जो ए से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो 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 आंसर दे दे, इस वेक्टर को क्या नाम देते हैं आप? सब वेक्टर जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और जीरो 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 पे मैप हो जाए, नल वेक्टर, इसको नल वेक्टर कहते हैं. यानी ये खुद इसमें जीरोस नहीं पड़े होंगे, खुद इसमें कोई वैल्यूज पड़ी होंगी, लेकिन जब ये ए से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो 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 पे मैप हो जाता है, इसे कहते हैं नल वेक्टर. ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि हम जिस वेक्टर की बात कर रहे थे वो नॉन जीरो वेक्टर था, क्योंकि जीरो वेक्टर डजंट रियली, अगर एक वेक्टर जीरो है तो हर चीज को वो जीरो ही बना देगा, तो उस केस को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है. तो मैं ऐसे वेक्टर की बात कर रहा हूं जो खुद जीरो से नहीं भरा हुआ, ठीक है? तो वी इज कंस्ट्रेंड टू बी नॉन जीरो, इसका मतलब है कि अगर v खुद जीरो वेक्टर नहीं है और आंसर अगर जीरो वेक्टर आ सकता है यहां पे, ये सिर्फ तब आ सकता है जब मैट्रिक्स ए, जो भी मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए असल में ये है, इसको मैं ए कह रहा हूं, इट मस्ट हैव अ नल स्पेस. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इट मस्ट हैव अ नल स्पेस? इक्विवेलेंट वे ऑफ सेइंग दिस इज के इस मैट्रिक्स का ए जो है इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा. ये बात माननी क्यों जरूरी है? मैट्रिक्स ए जो लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना जरूरी. कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? सर रिपीट करते हैं. आपके पास ये सिचुएशन है, कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर, कोई वेक्टर वी है, और वी जो है ये जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है? जीरो वेक्टर नहीं है ये, इसके अंदर कोई वैल्यूज हैं और आंसर आ रहा है जीरो वेक्टर. आप ए के डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बता सकते हैं? कि वो जीरो है. डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्यों? क्योंकि लैम्डा वी माइनस एन वी इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, मतलब ए जीरो लिखा हुआ है. कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये. सर ये
थर्ड स्टेप है उससे पहले इज इक्वल टू जीरो किया है हम लोगों ने, ए को तो कभी जीरो नहीं किया। सर यहाँ पे तो लिखा है वी नल वेक्टर है, व्हाट डज दैट मीन? नल मतलब कि वो जीरो वेक्टर है ना, और यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वी नॉट अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। चलिए पहले एक चीज तो क्लियर करें, ये दो फर्क बातें हैं, नल वेक्टर कुछ और होता है, जीरो वेक्टर कुछ और होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जीरो वेक्टर ये होता है जिसके अंदर जीरो पड़े होते हैं, ये होता है जीरो वेक्टर। नल वेक्टर कोई और चीज होती है, नल वेक्टर ये होता है कि वो खुद जीरो नहीं होता, उसके अंदर कोई वैल्यूज होती हैं, लेकिन जब वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होए और आंसर आ जाए जीरो 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 जीरो, तो फिर आप कहेंगे कि ये वी जो था ये ए का नल वेक्टर था, ए से मल्टीप्लाई होकर जीरो 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 पे चला जाता है, इसे कहते हैं नल वेक्टर। सर वो नल वेक्टर है जिसका डिटरमिनेंट जीरो कैसे होता है? नल वेक्टर का डिटरमिनेंट नहीं होता, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और यही तो मेरा आपसे सवाल है कि ए का डिटरमिनेंट जीरो क्यों होगा? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स याद है आपको? नहीं सर, रिवाइज करा रहा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब था कि ए एक्स इक्वल्स बी की कितनी सॉल्यूशन होंगी, एक सॉल्यूशन होगी यूनिक, और वो होगी एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी। इसका मतलब है कि ए एक्स इक्वल्स जीरो की कितनी सॉल्यूशन होंगी? एक सेकेंड, क्या जीरो ये बी वाले केस में कवर नहीं हो गया? बी को जीरो कर दें, जब हम सर बी जीरो होगा ना, फिर बी जीरो होगा। एग्जैक्टली, तो मैं बी की जगह मैं जीरो डाल देता हूं, इसका आंसर होगा एक्स इक्वल। देखें, जब आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इस सिस्टम की जो सॉल्यूशन होगी वो होगी एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, और ये आपने बिल्कुल जनरल बात कर दी है, विच मीन्स के बी के अंदर अगर मैं जीरो भी डाल दूं तो सोल्यूशन ये होगी एक्स इक्वल ए इनवर्स इंटू जीरो, वो मैं यहां पे कर देता हूं एक्स इक्वल ए इनवर्स इंटू जीरो, और इसका आंसर क्या आएगा? ए इनवर्स या कोई भी मैट्रिक्स जब जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा जीरो वेक्टर। सर मैं कह रही हूं यहां पर एक्स की जगह वी है तो वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना फिर? नहीं, अभी इस पे रहे जहां पे मैं हूं। जी दोबारा बताएं, हमने जब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स की थी हमने ये देखा था कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो किसी भी लीनियर सिस्टम ए एक्स इक्वल्स बी की यूनिक सॉल्यूशन होगी, और वो होगी एक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। और अगर आपके लीनियर सिस्टम होमोजिनस है, यानी ए एक्स इक्वल जीरो वाला सिस्टम है, तो वो इसके अंडर ही आता है,
और उसकी सोल्यूशन होगी एक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू जीरो विच इज जीरो, यानी जो सोल्यूशन होगी वो जीरो वेक्टर होगा अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इसका मतलब ये है कि अगर सोल्यूशन जीरो वेक्टर नहीं है, अब उल्टा देखें कि अगर ए एक्स इक्वल जीरो की मल्टीपल सोल्यूशंस अगर एग्जिस्ट कर रही हैं, या एक्स जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, अगर ऐसा है तो उसका मतलब है इफ जो सोल्यूशन है अगर वो नॉन जीरो वेक्टर है तो देन ए इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता तो सोल्यूशन होनी थी ए इनवर्स इंटू जीरो और वो जीरो वेक्टर होना था। तो अगर सोल्यूशन जीरो वेक्टर नहीं है इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसका मतलब ए इन्वर्टेबल नहीं है, और नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो इन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हम अपनी वापस अपनी एग्जांपल पे जाते हैं कि हम ये कह रहे हैं, शुरू से चलते हैं, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ये थी कि अगर आप आइगन वेक्टर वी हैं, आप एम से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो है वो वी ही होगा स्केल हुआ बाय लैम्डा। ये चीज मैं लिख सकता हूं एज लैम्डा वी माइनस एम वी इक्वल्स जीरो वेक्टर, जिसको मैं यहां पे आई से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिख सकता हूं लैम्डा आई माइनस एम ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय वी इक्वल्स जीरो वेक्टर। इस मैट्रिक्स को मैं एन बाय एन का जो मैट्रिक्स है इसको ए का नाम दे देता हूं। तो ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ये ए इंटू वी इक्वल्स जीरो यानी होमोजेनस सिस्टम लिखा हुआ है, और इसमें मैं कह रहा हूं कि जिसको मैं आइगन वेक्टर कह रहा हूँ वो जीरो वेक्टर्स हैं ही नहीं, वो कोई नॉन जीरो वाले वेक्टर्स हैं। और अगर आपके पास, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है राइट, कि अगर आपके पास कोई होमोजेनस सिस्टम है जिसका सॉल्यूशन वाला वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है तो फिर आपका मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्ट नहीं हो सकता था, और अगर वो इन्वर्ट नहीं हो सकता था तो फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। यानी हमें यहां से एक कंडीशन मिल गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी जीरो। ठीक है, अब मैं ए की जगह वापस वो मैट्रिक्स ले आता हूं जिसको मैंने ए कहा था लैम्डा आई माइनस एम, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस एम मस्ट बी जीरो, और इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम। रिमेंबर हम एक खास मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है मैट्रिक्स, ये जो भी हम कर रहे हैं ये किसी एक मैट्रिक्स एम के बारे में हो रहा है, तो ये उस मैट्रिक्स एम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट कैरेक्टराइजेस द मैट्रिक्स। इस इक्वेशन के अंदर उस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज छुपी हुई है, आइगन वेक्टर्स इधर छुपे हुए हैं, आइगन वैल्यूज इधर छुपी हुई हैं, और कई बातें छुपी हुई हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस एम इक्वल जीरो, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम। इसको हम यूज करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को ढूंढने में। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे जस्ट फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स एम माइनस वन थ्री टू एंड जीरो, ये आप ढूंढ सकते हैं। एनीवन? दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन बाय एन का होगा जितना एम का साइज था टू बाय टू, तो लिख लेते हैं वन जीरो जीरो वन।
माइनस द मेट्रिक्स एम इटसेल्फ विच इज माइनस 1, 3, 2, 0 और इस पूरे का डिटर्मिनेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वी आइगन वेक्टर है और लैम्डा आइगन वैल्यू है, ये हम चले ये इस इफ से चले थे हम, इफ वी इज एन आइगन वेक्टर विद आइगन वैल्यू लैम्डा, अगर ये बात सच है तो फिर हम वी इक्वल लैम्डा वी लिख सकते हैं और यहां से हम आगे चले थे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे पहुंचे थे। यानी इफ वी एंड लैम्डा आर एन आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू पेयर फॉर एम देन डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस एम विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया, इसको खोल के लिखते हैं। अब ये इक्वेशन बनेगी, दिस विल बी डिटर्मिनेंट, अब मैं डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ बार्स बना देता हूँ और वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा लैम्डा, ये मुझे लिखवा सकते हैं कोई, लैम्डा माइनस माइनस 1 विच विल बी लैम्डा प्लस 1, सेकेंड टर्म क्या आएगी, एनीवन, माइनस 3, ग्रेट, ये टर्म क्या आएगी, जीरो माइनस 2 बिकॉज दिस लैम्डा इज 0, और आखिरी टर्म आएगी इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इंटू 1 माइनस 0, सो यहाँ बस लैम्डा आ जाएगा। दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज, अब ये डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस 3 इंटू 2 विच इज 6, सो माइनस 6 इक्वल्स 0 विच इंप्लाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लैम्डा में, सो दिस विल बी लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स 0। यहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे, ये हो गई, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जो एंड पे हमने इक्वेशन लिखी है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वैसे तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ही थी, यानी जब ये शुरू में लिखी डिटर्मिनेंट लिख के, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये अगली भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये उसकी फाइनल फॉर्म है, ये उसका एक सीधा सीधा पॉलिनोमियल आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक आ गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, और यूजली हम इसको इस आखिरी शक्ल को ही देखते हैं। यहां तक कोई सवाल, लैम्डा की वैल्यूज को क्या, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो लैम्डा माइनस 3 आएगा और 2 आएगा, तो इस तरह यूज होंगी, वो आइगन वैल्यूज हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे जब आपने यहाँ पे जब पहुंचे थे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस एम इक्वल 0 जाए पहुंचे थे, तो इसमें लैम्डा वो आइगन वैल्यू थी, इसको लेके चले थे आप यहां पे, ये वो आइगन वैल्यू थी जो इस इक्वेशन में नजर आ रही है आपको, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से अगर कोई लैम्डा की वैल्यूज निकलती हैं, दोज वैल्यूज मस्ट बी आइगन वैल्यूज ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ एम। ठीक है, इतना तो हमें मानना पड़ेगा ना, ओके, अब आगे चलते हैं। जब भी आप ये डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछली एग्जांपल में किया है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का मतलब है वो फाइनल जो पॉलिनोमियल हमने निकाला है पूरा एक्सपैंडेड, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी वो असल में ये शक्ल लेगी, अगर n बाय n का मैट्रिक्स था
ठीक है, तो जो लैम्डा इंटू आई वाली टर्म थी, ठीक है, एन बाय एन का मैट्रिक्स था, तो यहाँ भी कुछ लैम्डा का रोल आया होगा, यहाँ भी लैम्डा का रोल आया होगा, इन सारों में डायगनल वाली टर्म में, लैम्डा इंटू आई में, यहाँ पे तो लैम्डा पड़े थे, और फिर माइनस किया होगा आपने जो मैट्रिक्स एम था पूरे का पूरा, है ना, और फिर आपने डिटर्मिनेंट ले लिया था, और जो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है उससे आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली ये जो, यानी जब भी मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो लैम्डा की पावर एन वाली टर्म ने आ जाना है। पिछली एग्जांपल में जाते हैं, हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया था, उस 2x2 के मैट्रिक्स में उस 2x2 के मैट्रिक्स में इस डायगनल पे लैम्डा पड़ा था, डायगनल की हर एंट्री में लैम्डा होना जरूरी था, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है ऐसे, और इसका मतलब है कि जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो उतनी दफा लैम्डा ने मल्टीप्लाई जरूर होना है अपने आप से, ठीक है, तो ये दो दफा था, इवेंचुअली यही हुआ कि लैम्डा का स्क्वायर यहाँ पे आया, और फिर लैम्डा के स्क्वायर माइनस वन वाली पावर आई, और फिर लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू वाली पावर आई, यानी एन वाली पावर आना है, एन माइनस वन वाली पावर आनी है, और जीरो वाली पावर, ये सारी नीचे तक ये सारी पावर्स आनी है इसके एक्सपेंडेड पॉलिनोमियल में, और यहाँ पे बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एन बाय एन का पॉलिनोमियल है तो सारी पावर्स आएंगी, लैम्डा एन की पावर आएगी, ठीक है, बाय द वे अगर लैम्डा का इसका, क्योंकि लैम्डा वन का, लैम्डा टू पावर एन का कोफिशियंट यहाँ पे वन रखा हुआ है मैंने, लेट मी सी कि ये वन ऑटोमेटिकली आएगा या ये किया जा सकता है, मेरे ख्याल ऑटोमेटिकली शायद जरूरी नहीं है, ये किया जा सकता है, यानी अगर आपके पास लेट्स से ये वाली टर्म है, के वन टाइम्स लैम्डा टू द पावर एन, अक्सर में जो डिटर्मिनेंट आप लेके आते हैं लेट्स से वो इस तरह की टर्म है, लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 के समथिंग, लैम्डा टू द पावर वन प्लस के एन, वेट दिस, लेट मी इरेज दिस, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे एन प्लस वन, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स थी ना पिछली स्लाइड में, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल था, टर्म्स लेकिन तीन थी, पावर टू की टर्म, पावर वन की टर्म और पावर जीरो की टर्म, ठीक है, तो इधर भी ऐसे होगा, एंथ ऑर्डर पॉलिनोमियल में एन वाली टर्म भी होगी, वन तक भी जाएगी और फिर जीरो ऑर्डर पॉलिनोमियल, जीरो ऑर्डर वाली टर्म भी, पावर जीरो वाली, ओके, सो एन प्लस वन टर्म्स होंगे, तो ये तो हो गया इक्वल टू जीरो, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है, ठीक है, और चूंकि यहां पे जीरो लिखा हुआ है या ना भी लिखा होता, मैं इस एक्सप्रेशन, पूरी एक्सप्रेशन को अगर के वन से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट साइड को भी के वन से डिवाइड कर देता हूं और राइट साइड को भी के वन से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या यहां पे लैम्डा टू द पावर एन नहीं आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वन, क्योंकि के वन ओवर के वन हो जाएगा, मैंने लेफ्ट साइड को भी के वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और राइट साइड को भी के वन से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा के टू ओवर के वन, ये जो के टू ओवर के वन है ये कोई नंबर ही होगा, मैं इसको सी वन कह देता हूं, एंड आई कीप गोइंग
और ये सी एन माइनस वन हो जाएगा और ये सी एन हो जाएगा और यहाँ पे जीरो ओवर के वन होगा जो कि जीरो ही रहेगा, यानी उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने इस तरह करके लिखा हुआ है जिसमें पावर एन वाली टर्म जो है कोफिशेंट उसको वन कर दिया मैंने। और नोटिस के ये इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ नहीं लिखा है ना, इक्वल टू जीरो मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा। तो जब मैं इक्वल टू जीरो नहीं लिखता इस वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि अभी इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। और जो पिछले वाला पार्ट था उसमें इक्वल टू जीरो वाली टर्म थी, इक्वल टू जीरो वाली टर्म थी, इसलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कही थी। यानी ये वाला पार्ट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इधर इसको एक्सपेंड करने के बाद, और अगर इक्वल टू जीरो लगा दें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ओके, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमेशा डिग्री एन का होगा, जितना अगर एन बाय एन का मैट्रिक्स था, टू बाय टू का मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिग्री टू का था, एन बाय एन मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिग्री एन का होगा। डिग्री टू का जो पॉलिनोमियल होता है उसकी कितनी रूट्स होती हैं डिस्टिंक्ट, डिग्री टू के पॉलिनोमियल की कितनी डिस्टिंक्ट रूट्स होती हैं? एनीवन? एक्सक्यूज मी सर। जी नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो चुका है सर, आ गए। ठीक है, मुझे ये आंसर तो कर दें। रूट क्या होती है पॉलिनोमियल की, रूट्स क्या होती है? एनीवन? सर सॉल्यूशन उसके वेरिएबल, उसके वेरिएबल के सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल जीरो, और लेट्स से ए बी सी कोई वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, रूट्स इसे कहते हैं, रूट्स होंगी वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये निकालूं मैं इसको, ए मुझे पता है, बी मुझे पता है, सी मुझे पता है, अब वो वाली वैल्यूज एक्स की जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए उन्हें कहेंगे रूट्स। ठीक है, इसको ऐसे देख लें, अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का होता है। रूट्स का मतलब ये है कि x की वो कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू, जिस जिन पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती थी। ठीक है, लेट्स से ये वो एक्स वाई एक्सिस थे, ये x एक्सिस जा रहा है, ये y एक्सिस जा रहा है, ये ओरिजिन है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कौन से x पे हो जाती है, एक ये है वो x और एक ये है वो x, ये है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कब कट करता है, या इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होती है, या वो कौन से एक्स हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, इन्हें रूट्स कहते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। और ये क्वाड्रेटिक को ही देख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक की शेप इस किस्म की होती है और ये अब बढ़ता ही रहेगा आगे। ठीक है, ये बढ़ता ही रहेगा, एक्स बढ़ाते रहें इसे बढ़ता ही रहना है, ऊपर ही जाता रहेगा, तो इसकी कितनी रूट्स हो सकती हैं, और हो सकती हैं अब? नो सर, और नहीं हो सकती। सो इसकी मैक्सिमम रूट्स दो हो सकती हैं, और इसकी डिग्री क्या थी?
टू ही थी, डिग्री भी टू ही थी। तो एन डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसकी जो मैक्सिमम रूट्स हैं वो एन होती है। फॉर एग्जांपल थ्री डिग्री पॉलिनोमियल देख रहे हैं, थ्री डिग्री पॉलिनोमियल कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है, या अब ये बढ़ता ही जाएगा और अब ये नीचे ही जाता रहेगा। ये तीन दफा कट करता है एक्स एक्सिस को, एक दो तीन, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो तीन होती हैं। फोर डिग्री की मैक्सिमम जो कट करेगा एक्स एक्सिस को वो चार दफा करेगा, एंड सो ऑन। लेकिन कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉलिनोमियल ले लें, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कितनी दफा कट करेगा एक्स एक्सिस को? क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर सकते हैं आप? एनीवन? एनीवन? ये पूरी का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता है। दिस विल नेवर कट एक्स एक्सिस। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि मैं एक्स की वैल्यू डालूं और फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। तो दिस विल हैव नो रूट्स, जीरो रूट्स, जीरो सॉल्यूशंस। ये पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता था सेकंड डिग्री वाला जो ऐसा होता, यानी वो जीरो को टच करता, क्रॉस ना करता, टच करता। तो अब आप कहते हैं अभी भी इसकी रूट्स दो ही होती लेकिन रिपीटेड होती, सेम रूट होती दो दफा, उसे हम कहेंगे सेम रूट है दो दफा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रूट्स कैन बी जनरल जो स्टेटमेंट है कि जो नंबर ऑफ रूट्स होती हैं वो जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, यानी कम हो सकती है। मैक्सिमम जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री थी वहां तक हो सकती है, ठीक है। अगर जितनी डिग्री है उतनी रूट्स है तो ये सारी फिर डिस्टिंक्ट कहेंगे, और अगर कम है तो फिर हम रिपीटेड कहेंगे, रिपीटेड रूट्स। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट है तो मैक्सिमम एन हो सकता है। और चूंकि आपके जो आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा जो है ये एन डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है इसकी जो सॉल्यूशंस होंगी वो मैक्सिमम एन हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एन बाय एन मैट्रिक्स जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एन डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम एन सॉल्यूशंस होंगी। हर सॉल्यूशन आइगन वैल्यू है, ठीक है। सो एक एन बाय एन मैट्रिक्स की मैक्सिमम जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं वो एन हो सकती है।